स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी में और आज हम आपको घुमाएंगे ठठेरी बाज़ार। वैसे तो बनारस में बहुत सी मंडियां हैं जो कि बहुत ही फेमस है और आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा उस मंडी में, लेकिन एक ऐसा ही बाज़ार है ठठेरी बाज़ार जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो आज हम आपको ऐसे ही बाज़ार का टूर कराने जा रहे हैं और इस बाज़ार का नाम है ठठेरी बाज़ार। तो आइए चलते हैं। तो ये जो आप सामने से देख रहे हैं ये है ठठेरी गली और इसी के अंदर लगता है बाज़ार जिसका नाम है ठठेरी बाज़ार। और मैं आपको रास्ता बता दूं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं अगर आप गदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं तो आप आसानी से इस गली में आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको टूर कराते हैं गली का। वैसे ये गली बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही कंजेस्टेड गली है, आप देख पाएंगे। और भले इस गली का नाम ठठेरी बाज़ार हो लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे देख पाएंगे ढेर सारे बर्तने आपको दिख जाएंगी उस गली में। और जो ये मार्केट है सिर्फ बर्तनों के लिए ही नहीं फेमस है, ये सराफा बाज़ार के लिए भी फेमस है। और यहाँ पे बहुत सी साड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं तमाम दुकानें। और ये ज्वेलरी की दुकानें हैं। चलिए आप पूरा पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे भी ज्वेलरी की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये देखिए, और इस बाज़ार का ठठेरी बाज़ार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ठठेरी जो होते थे जो कि बर्तन बनाते हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रहते थे, इस वजह से इस मार्केट का नाम ठठेरी बाज़ार पड़ गया। वैसे कहा जाए कि ये रईसों का मार्केट है क्योंकि यहाँ पे होलसेल की बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आसानी से। और ज्वेलरी की काफ़ी यहाँ पे दुकानें हैं, ये देख सकते हैं, ये भी ज्वेलरी की दुकान है। और देख सकते हैं ये भी ज्वेलरी की दुकान है एक। और दुकानों के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सी खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सी यहाँ पे दुकानें हैं। ये देखिए, ये भी ज्वेलरी का एक शॉप है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस गली के रास्ते तो बहुत सी दुकानें आप देखते ही चलेंगे। और अपने से टाइम नहीं दे रहा, किसी दूसरे से टाइम दिलवा रहा। पहले इस गली में शुरुआत हुई थी बर्तनों की और फिर देखते देखते यहाँ पे बहुत सी दुकानें खुल गई जो कि साड़ी ज्वेलरी और खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ही यहाँ पर मिलने लगी। और कहा जाता है कि ये रईसों वाली गली है क्योंकि यहाँ पे आप ज्वेलरी की काफ़ी ढेर सारी दुकानें देख पाएंगे, देखिए। और भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं, पापड़ चिप्स नमकीन। और ये गली अचार मुरब्बा पापड़ के लिए भी फेमस है, कहा जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पापड़ अचार ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें हैं आपको इस गली में आसानी से मिल जाएंगी।
और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्वीट्स की दुकानें। और यहाँ पे देख पाएंगे रजत आभूषण भंडार। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्वेलरी की दुकान है। और ये देखिए अचार और पापड़ की दुकानें। और ये गली पतली होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ नज़र आ रही होगी। और ये देख सकते हैं खाने पीने वाली दुकानें। और ये देख सकते हैं मलइयो, जो कि बनारस में बहुत ही फेमस है और ये ठंड के टाइम में ही मिलता है, ओस की बूंदों से बनाया जाता है। तो जब भी आप बनारस आएँ तो मलइयो का भी आनंद ज़रूर उठाएँ। और ये सब देख सकते हैं पुराने पुराने घर। और सामने से आप देख पाएंगे एक भवन जो कि भारतेंदु भवन है। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता गोल लोकवासी भारतेंदु हरिश्चंद। और यहाँ पे इनकी पेंटिंग भी बनाई गई है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और सामने से देख पाएंगे ये है राम भंडार की दुकान, जो कि काफ़ी फेमस दुकान है। और फिलहाल में कुछ दुकानें बंद भी हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे दरवाजे और ये पुराने सारे घर। और एक आप ये कॉलेज भी देख पाएंगे, अग्रसेन पीजी कॉलेज। लेकिन एसी का रिजर्वेशन कराने 1 तारीख को जा रही है तो संजय को। और अभी आप देख सकते हैं आगे चलते चलते हम चौखंबा की तरफ आ चुके हैं। जब आप ठठेरी गली से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको ये चौखंबा गली भी नज़र आ जाएगी। हमें नहीं मालूम, आज अक्षय भी आज हमें बताए। अरे
ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है चौखंबा वाराणसी। अभी हम चौखंबा क्षेत्र में आ चुके हैं। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। महादेव।